हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर को चेक करने जा रहे हैं। देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है और कैसे ये टेम्परेचर्स के हिसाब से अपने एम्पीयर्स को कंट्रोल करता है, मींस कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है। इस वक्त हमने 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, मैक्सिमम एम्पीयर इसके 7 एम्प्स हैं, हाफ लोड पर ऑलमोस्ट चल रहा है और अभी देखिए ये कंप्रेसर ऑफ हुआ। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर 23.4 है और सेट टेम्परेचर 25 है। तो काफी देर तक इसने वेट किया कि टेम्परेचर में कुछ मेजर वेरिएशन आएगा। जब वेरिएशन नहीं आया तो ये कंप्रेसर को इसने स्विच ऑफ कर दिया। अब अगर हम कंप्रेसर का एम्स बढ़ाना चाहते हैं, मतलब स्विच ऑन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टेम्परेचर को हम सेट टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, 18 डिग्री ले आते हैं। कुछ समय के बाद कंप्रेसर को ऑन होना चाहिए। जस्ट ये कंप्रेसर ऑन हुआ और बहुत स्लोली इसके एम्स बढ़ेंगे क्योंकि मौसम ठंडा है। बाहर इस वक्त 28 डिग्री के आसपास होगा और रूम में इस वक्त 24 के आसपास आपको दिख रहा है, 23 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। हमने थोड़ा डिफरेंस बढ़ाया हुआ है, 18 पर रखा है, इसलिए कंप्रेसर ऑन हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्स बढ़ रहे हैं, 2.3, 2.4। तो बहुत कम लोड से ये कंप्रेसर स्टार्ट हुआ। वॉटेज देखा जाए तो शायद 150-200 वॉट से स्टार्ट हुआ है और अभी अगर वॉटेज देखा जाए तो इसका मैक्सिमम 500-600 वॉट्स के आसपास ये ले रहा है। 2.5-1 टन से भी कम इसके एम्पियर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, थोड़ा सा एम्पियर में वेरिएशन आएगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर बहुत डाउन है। हमने 24 किया है तो बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आपको यहाँ पे दिखेगा। 2.6 हो गया, मे बी 3-3.1 तक जाए, बट क्योंकि अप्रोक्सीमेट एक जैसा टेम्परेचर है तो बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। तो अभी हम एक नॉर्मल एसी स्टार्ट करेंगे तो वो 6 एम्पियर लेकर ही स्टार्ट होगा, मतलब फिक्स स्पीड जो है वो 6 एम्प्स लेकर ही स्टार्ट होगा। तो सबसे बड़ा फायदा हमारा इन्वर्टर में यही है, जितनी ज़रूरत है उतना ही ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करेगा, अननेसेसरी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा नहीं करने वाला। यहाँ पे एसी फैन लगा है और एसी फैन पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस आता है अगर हम एसी फैन की स्पीड चेंज करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी ये मिनिमम स्पीड पे चल रहा है, तो यहाँ पे 100 वोल्ट्स के आसपास है। जब हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज मीडियम स्पीड पे इसको हमें फैन को 120-122 वोल्ट्स के आसपास जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड पे 134-135 के आसपास जा रहा है। और अगर हम इसको टर्बो कर दें, टर्बो मतलब मैक्सिमम स्पीड से भी ज्यादा फास्ट कूलिंग के लिए, तो हम इसको टर्बो प्रेस कर दें तो यहां पे वोल्टेज आपको 160 के आसपास दिखेगा। मींस 222-225 किसी हालत में भी नहीं जाता है, मिनिमम नॉर्मल मैक्सिमम और टर्बो स्पीड में वेरिएशन आता है। तो इस तरह से हम अपने फैन मोटर को जाने वाले सप्लाई फैन मोटर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके कैपेसिटर को कैसे चेक करें। हमने पहले और तीसरे पे लगाया, फर्स्ट और थर्ड पे लगाया है जो कैपेसिटर का पॉइंट है, ये भी बैक साइड पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर पे हम देखेंगे तो पहले जो हमारा 100 के आसपास दिख रहा था, अभी यहाँ पे कैपेसिटर के साथ में जो पुश जा रहा है वो 150 करीब करीब 40 वोल्ट्स का एडिशन आ रहा है। इसको हम मीडियम पे करेंगे तो ये 175 के आसपास आ गया, मींस कैपेसिटर अपना परफेक्टली काम कर रहा है। इसको मैक्सिमम पे करेंगे ये और बढ़ के आगे जाने वाला है, 180-182 के आसपास आ गए, ये कैपेसिटर का पुश है। इसको टर्बो पे करेंगे, टर्बो पे करते हैं तो
तो अब ये 200 वोल्ट के आसपास पहुंचा, 200 वोल्ट के आसपास, 198, 197 के आसपास पहुंचा। दैट मींस कि कभी भी अगर हमको कैपेसिटर चेक करना है तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पे आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, जो भी इसका मैक्सिमम वोल्टेज था उससे 30, 40, 50 वोल्ट बढ़ के आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग फैन मोटर और उससे कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसका वेरिएबल वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे कम्युनिकेशन वायर में लगाया है और न्यूट्रल में लगाया है। न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है, लगातार आपको वेरिएशन दिखाई देगा, बहुत तेजी से वेरिएशन आपको ये नजर आने वाला है। अलग अलग मॉडल्स में ये वेरिएशन अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली ये डीसी वेरिएशन दिखना चाहिए। बहुत फास्ट चल रहा है तो ये 5-7 वोल्ट से लेके और करीब करीब 28-24 वोल्ट तक ये वेरिएशन जा रहा है। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम लोग कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं, फैन मोटर को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर की वर्किंग भी चेक कर सकते हैं। फैन मोटर हमने पहले दूसरे में चेक किया और कैपेसिटर को पहले और तीसरे में चेक किया, रेड और ब्राउन में। तो बेसिक चीजें दोस्तों हम लोग इसकी इन्वर्टर की चेक कर सकते हैं। शुरू में हम लोगों ने इसकी वर्किंग देखी कि ये कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच।